पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की खबरों से सब हैरान थे। दक्षिण अफ्रीकी सरकार का खुलासा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि वह मीडिया की उन रिपोर्ट से हैरान है जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नालेडी पांडोर ने सोमवार को मीडिया को ब्रिक्स सम्मेलन के तैयारियों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए ये बात बताई। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के 15वें संस्करण की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा और इसका आयोजन 22 अगस्त को होगा। पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि वह हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया से बात करते हुए दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नालेडी पांडोर ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि वे सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के संपर्क में हूं, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे शेरपा भी संपर्क में है लेकिन उनके सामने ये बात नहीं आई, इसलिए हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अफवाह की शुरुआत कहाँ से हुई। अफवाह से हैं सब हैरान। नालेडी पांडोर ने कहा कि मैंने सरकार में अपनी कई सहयोगियों से बात की और बाहर के लोगों से भी बात की, हर कोई इस अफवाह से हैरान था। मुझे लगता है कि कोई हमारे सम्मेलन को तबाह करना चाहता है, वहीं इस तरह की कहानियां गढ़ रहा है ताकि सम्मेलन सफल ना हो सके। पांडोर ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पुतिन। रूस भी ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे।